हैशटैग सेनो टू बैरिया टाउन। जेसन साथियों, जैसा कि आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कुछ दिन पहले कराची के अंदर हजारों सालों से बसने वाले गोट जिन पर मलिक रियास हमला आवर बनकर आया, उन पर तशद्दुद किया गया, ओटों पर तशद्दुद किया गया, उनकी तजलील की गई, हैवी मशीनरी उन पर इस्तेमाल की गई और सीधी फायरिंग की गई। और इस सारे मामलात में आप देखिए कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके साथ गठजोड़ रहा। हम सबको मिलकर इतिहाद करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आने वाली नस्लों का सवाल है, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, सिंध के वजूद का सवाल है, हमारी बका का सवाल है। ऐसा ना हो कि कल हमारे साथ भी वही हो जो आज फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। हमें हर एक महाज पर लड़ना पड़ेगा, फिर वो कानूनी कार्रवाई हो, वो रोडों और रस्तों पर जिदोजहद हो या फिर सोशल मीडिया। मेरी आप सब सिंधी भाइयों से, जिसमें सिंधी बोलने वाले हमारे भाई और उर्दू बोलने वाले हमारे सिंधी भाई, आप सबसे ये इल्तिजा है कि हम सबको इकट्ठा होकर जिदोजहद करनी पड़ेगी, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा, सिंध के बगा के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमारे साथ वही हो जो फलस्तीनियों के साथ हुआ। इसलिए हमें हर एक महाज पे लड़ना पड़ेगा, तो आइए, और तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक हमारे जिस्म में आखिरी खून का कतरा है। हमें अपनी धरती के लिए, अपने लोगों के लिए, सिंध के बका के लिए, सिंध के वजूद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे इल्तिजा है कि आप शॉर्ट वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स पर, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर जगह पे उस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, अपने दोस्तों को और अपने दोस्तों के दोस्तों को कहिए कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करें, ताकि वो लोग जो साजिश रच रहे हैं कि बैरिया टाउन के मामले को डाइवर्ट किया जाए, उनको हम सब मिलके नाकाम बनाएं। हम लड़ेंगे, क्योंकि लड़े बिना कुछ भी नहीं मिलता। जेसन।